सो ही व्हाट्सअप गाइस, दिस इज शिवम मिठानी, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। होप सो यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। तो पहले तो मैं रिएक्शन वीडियो लेके आता था सॉन्ग्स के लिए, सॉन्ग्स पे हम रिएक्ट करते थे, लेकिन आज कुछ फनी सी वीडियो है जिस पे हम रिएक्ट करेंगे। तो टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता चल ही होगा, मोस्ट ऑफ द बंदों को पता चल गया होगा कि आज रिएक्शन किस पे होने वाला है। गोडलू है एक लड़का जो कि माजा ब्लॉग सॉन्ग था प्रेम टिल्लो का, तो उसमें इसकी आवाज़ ली हुई थी, तो वहाँ से ये लड़का फेमस हुआ है। फिर सुख संगेड़ा और प्रेम टिल्लों के साथ इसकी बात हुई लड़के की, और अभी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है इसकी वीडियोस, काफ़ी फनी वीडियोस है इसकी। तो मतलब जितनी बार देखोगे उतनी बार आपको हंसी आएगी इसकी वीडियो पे। बस एक छोटी सी वो है कि गालियाँ निकालता है ये वीडियो में, गालियाँ बहुत ज़्यादा। तो मैं सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी जो बच्चे हैं तो वो वीडियो ना देखें ये, क्योंकि गालियाँ छोटी छोटी वीडियो में तो जो कि बुरा असर डाल सकती हैं आप पे। तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चे इस वीडियो को ना देखें, और जो गालियाँ वगैरह नहीं सुनते हैं वो भी वीडियो को ना देखें। तो ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। तो मैं तो जस्ट आज देख रहा था इसकी वीडियोस, तो काफ़ी सारी वीडियोस देखी मैंने इंस्टाग्राम पे इसकी, इंस्टाग्राम आईडी इसकी सहज से होता, तो वहाँ पे मैं देख रहा था काफ़ी कमाल की वीडियोस मिली। फिर मैंने कहीं से यूट्यूब से इकट्ठी कर करके क्लिप्स आपस में जोड़ी, एक एक दो दो क्लिप्स जोड़ के एक वीडियो तैयार की ताकि आपके साथ बैठ के देख सकूँ। आप जितनी मर्जी बार देखोगे इसकी क्लिप को ना, आपको हमेशा वैसी लगेगी कि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, इतना फ़नी बंदा है ना मतलब ये। और इसको काफ़ी सुना मैंने कि 2-3 मूवीज साइन होगी इसकी गोलू की। तो अब सुनेंगे कि यहाँ देखते हैं वीडियोस कैसी है, आपके साथ रिएक्शन करता हूँ मैं भी, देखता हूँ आप भी सुनना। तो वैसे तो आप सभी ने देख ली होंगी अगर ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई हैं इसकी वीडियोस, और एक दो वीडियो थी जो तो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई है, मतलब इतनी ज़बरदस्त है ना, बोलता काफ़ी सही है, और इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा हुए हैं गोलू के। और अगर आपको वीडियोस ये पसंद आती है, आप चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियोस पे या गोलू की वीडियोस पे रिएक्शन करूँ दोबारा से, तो मेरे को कमेंट करके। तो इंटरव्यू भी देखी थी मैंने गोलू की वीडियोस, क्योंकि काफ़ी मज़ा आता है इसके इंटरव्यू भी, काफ़ी कमाल के ना फनी बोलता है ना ये, काफ़ी ज़्यादा देर बोलते रहता है, तो काफ़ी फ़नी बंदा है। इंटरव्यू में कह रहा था कि मेरे को लोग तंग कर रहे हैं, मेरे को चढ़ने नहीं दे रहे, बेशक मैं गालियाँ निकालता हूँ, मेरे को लोग कह रहे हैं कि गालियाँ निकाल निकाल के फेमस हुआ है। भाई ये तो किस्मत की बात है ना, काफ़ी लोग गाली निकालते हैं, काफ़ी वीडियोस होती हैं ऐसी, लेकिन जिसको किस्मत में, जिसकी किस्मत में लिखा है उसको जैसे मिलेगा वो वैसे ही मिलेगा, तो कोई छीन नहीं सकता किसी का। तो अब उसे फेम मिल गई, वो जैसे मर्जी मिली वो बेशक, लेकिन मिल गई, वो खुश है, और काफ़ी मतलब पूरे फैमिली से बिलोंग करता है गोलू, ये उसने वीडियोस में भी कहा है, और मैंने भी देखा जहाँ तक उनका घर वगैरह जो भी था, तो काफ़ी मतलब पूरे फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन वो अपने घर के हालात सही करना चाहता है, तो सही बात है। अब भगवान ने उसे दिया है तो बाकियों को ये नहीं होना चाहिए कि रोकें उसको। और काफ़ी ज़्यादा लड़के आजकल तो गोलू के चारों तरफ रहते हैं, वीडियोस बनाते रहते हैं उसकी, तो ये वीडियोस भी इनमें से। तो करते हैं यार स्टार्ट, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है ये देखने का, दोबारा देखते हैं एक दो वीडियोस। तो मैं तो देख चुका हूँ ये, लेकिन आपके साथ फिर से देखूंगा, क्योंकि जितनी मर्जी बार देख लो ये वीडियो इतना ज़्यादा मज़ा आता है, मैं पता नहीं कितनी बार देख चुका हूँ पहले की, लेकिन अब फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितना मज़ा आता है। कह रहे हैं फिर स्टार्ट है। मेरे पापा कार खाने च चल चिकन लिया भाई यार, खाना पुछी चिकन लिया, बंद लैग पीस लिया, केड़ा चिकन खाने दस बच्चे बच्चे भैन देर गल की अगे आई इधर ते कुड़ियां साले आ मैसी कर दियां वा, मेरे नाल गल करो, मैं ते आप नहीं गल करदा, ते इधर ए कौन है चदा, मैं ते फ्लाई बड़े होने साले आ तेरे अंग थोड़ी आप नंबर सी तू एक गाने ने माजा ब्लॉग के मेरी आवाज ले लियो ना, पापा पाया ना ते ला अदा सो कपड़ों की आवाज ला के, जे अगर मैं थोड़ा जा बड़ा होता ना मैं केस पा देना ही, जड़ हुन इधर खर्चा बच्चा थोड़ा बहुत चाहिए मैं। हां ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਪਨੀਰੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਡਾਇਲੋਗ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਨੀਰੀ ਵਾਲਾ ਜਰਾ ਹੀ ਤੂੰ ਕਾ ਪਾਲਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਪਾਲਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਨੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪਾਲਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਘਟ ਤੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਥੋੜੀ ਪਨੀਰੀ ਪੱਕੀ ਆਣੀ ਸਾਲਿਓ ਪੈਂ ਦਾ ਰੇਰਾ ਭੈਣ ਤੋ ਦੋ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਬਾਜ ਰੱਖ ਲਈ ਮੈਂ ਗਾੜੇ ਚ ਬਾਜ ਲਈ
ਕੂਲਰ ਜਾ ਲਾਤਾ ਹੀ ਮਗਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਚ ਨਾ ਚਲ ਠੀਕ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਚੱਲਣਾ ਚਲ ਠੀਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਗਾਣੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲਿਉਂਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੀ ਕਲਾ ਲਾਤਾ ਚਲ ਚਲ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲਾ ਹੁਣ ਇਧਰੇ ਹੁਣ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਚੰਗੀ ਕਰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਚਲ ਚੰਗਾ ਚਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖ ਰੱਖੀ ਬੂਟਰ ਇਹਦੇ ਬੋਦੇ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਬੂਡੇ ਦੇ ਬੋਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੱਸੇ ਵਰਗੇ ਆ ਇਧਰ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈਏ ਦੋਲ ਕੇ ਪਛਾਨਣ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਖਾਣੇ ਆਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਖਾ ਲੈ ਨਾ ਕਿ ਮਾਰ ਬੰਦਾ ਹੋਲੀ ਜੀ ਆਣਾ ਕੋਈ ਬੁੱਢੀ ਜਾਣ ਡੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਬੁੱਢਾ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਬੰਦਾ ਹੋਲੀ ਜਾ ਟੈਂ ਕਰਦੇ ਨਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾ ਦਾ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਲੱਗ ਜਾਏ तो ये थी यार गोलू की वीडियो, मतलब मज़ा आ गया। बस ये कि थोड़ी बहुत गालियाँ हैं इसमें, बाकी बातें बड़ी सही करता है। अभी वो वीडियो क्लिप नहीं थी इसमें जिसमें इसकी बात सुख संगेड़ा जी के साथ हुई थी। सुख संगेड़ा जो वीडियो डायरेक्टर, उनके साथ बात हुई, प्रेम टिल्लों के साथ बात हुई थी इसकी वीडियो कॉल पर, वो वीडियो क्लिप नहीं है। मैंने जोड़ी थोड़ी थोड़ी करके ये सारी ढूंढी। लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट करते हो कि और ज़्यादा वीडियो बनाओ, और ज़्यादा वीडियो लेके आओ, उन पर रिएक्शन करो, तो फिर मैं पक्का ढूंढूंगा सारी वीडियोस। और अगर आप कहोगे तो इंटरव्यू जो हुई है इसकी, उस पर भी रिएक्शन करेंगे। तो काफ़ी यार मतलब बंदे को फेम मिल गई। किस्मत किस्मत की बात होती है, जिसकी किस्मत में लिखा हुआ है बैठ के खाना, तो उसको दुनिया कैसे उठा लेगी, है ना, उठा लेगी। तो ये सिद्धू मूसे वाला का डायलॉग था कि जिदी किस्मत से बैठना लिखा होना उन्होंने दुनिया किदा उठा लूँ। तो बस आई है किस्मत किस्मत की बात है। तो और भी यार वीडियोज़ ढूंढेंगे। और इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो करो यार, वहाँ पर बताया करो। तो मैक्सिमम बंदे मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करा है, तो वो दूसरी वाली आईडी पे कर रहे हैं, बीट ब्लास्टर पे। तो वहाँ पे मैं कई बार लेट चेक करता हूँ, तो वहाँ पे लेट चेक करता हूँ मैं कई बार, तो फिर लेट हो जाता है। तो मेरे को जो मेरी आईडी पे मेंशन की होती है नीचे ओडिशियम, वहाँ पे टेक्स्ट करा करो, ठीक है। तो बाकी बीट ब्लास्टर पे भी मैं देखा करूँगा, ऐसी बात नहीं है कोई। तो पर वहाँ पे कई बार होता है कि लेट खोलता हूँ, जो शिवम उठाने वाली आईडी मेरी अपनी पर्सनल, वो तो 24 घंटे चलो खुली रहती है। तो मक्खी बड़ा तंग कर रही है यार ये। तो बाकी यार और बताओ, मेरे को रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट कर दिया करो, जिस गाने की कोई भी गाना आप चाहते हो, है ना, कोशिश करूँगा मैं उस पर वीडियो बना दी जाए। और गोलू की और वीडियोस देखना चाहते हो तब भी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और नए नए अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी व्लॉग्स वगैरह आने वाले हैं। शिमला जाने का प्लान बन रहा है, तो व्लॉग बनाएंगे। वहाँ पे एक बढ़िया सा स्नोफॉल हुआ होगा, तो एक बढ़िया सा व्लॉग बनाएंगे शिमला का। और भी अब बुआ जी तो बाहर गए हैं, लेकिन तभी वो रिएक्शन वीडियोस में नहीं आ पा रहे, नहीं तो मैंने भी दिखाता ये गोलू वाली, पर उसमें गालियाँ हैं बस थोड़ी बहुत। तो गालियों को मैं ऐसा करता कि गालियों को मैं म्यूट कर देता, उसके बाद बुआ जी को ये दिखाता, तो फिर उनको भी लेके आऊँगा मैं इसके साथ गोलू वाली रिएक्शन वीडियो में, उनको भी दिखाऊँगा। तो तब सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट करके बताओ कि बुआ जी को लेके आऊँ, उनको दिखाऊँ ये गोलू वाली वीडियो, ये नहीं। अगर वीडियो ये नहीं दिखा पाया तो इंटरव्यू में ज़रूर लेके आएंगे उनको, इंटरव्यू तो साफ़ सुथरा ही होगा उसका गोलू का। तो इस वीडियो में इतना ही था। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।